नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पर। आज मैं आप लोगों के लिए ITI वाले बच्चों के लिए जो है एक और नई वैकेंसी लेकर आया हूँ, जो परमानेंट वैकेंसी है और डाकघर की वैकेंसी, भारतीय डाक विभाग की जो है नौकरी है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया, मतलब इंडिया की वैकेंसी, इट्टा पर्पस की मुंबई की ये वैकेंसी निकली हुई है। ऑल इंडिया जो बच्चे हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो इंडियन बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें किन किन ITI वाले ट्रेडों के लिए जो है डाक विभाग में वैकेंसी निकाल रखी है, ये मैं आपके सामने जो बता रहा हूँ, ये आपको दिख रहा होगा कि मैकेनिकल MME मतलब मोटर व्हीकल मैकेनिकल की जो है पोस्ट है, इसमें 5 पोस्टें निकाल के रखी हैं और 3 जो है जनरल की हैं, एक OBC की और एक ST की है। इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी निकली है, 2 पोस्टें हैं यहाँ पर, एक जनरल की और एक OBC की, और ट्राईमैन की एक एक पोस्ट ओनली निकली है जनरल की, ब्लैक स्मिथी की एक EWS की पोस्ट निकली हुई है। तो टोटल कम वैकेंसी हैं, लेकिन बहुत कम ही पोस्टें निकलती हैं डाक विभाग में। और इसकी जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि इसकी जो ज्वाइनिंग होगी वो मुंबई में होगी, मुंबई में कहाँ होगी ये अभी नहीं डिस्कस कर सकते हैं इस बात के लिए। तो मैं जो है जो भी वैकेंसी टेक्निकल संबंधित आपकी ITI के बच्चों के लिए होती है वो आप तक ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर पहुंचाता हूं। तो स्केल पे इसकी जो है यहाँ पर दिखा रहा है कि 19,900 रुपये है, तो ये ऊपर से ही बढ़कर ही मिलेगी, 19,900 इसका पे स्केल दिख रहा है, बढ़कर ही मिलेगी। इसकी लास्ट डेट जो है आपके सामने दिखा रहा है कि इसकी लास्ट डेट जो है आपको 9/5/2022 तक जो है इसका जो फॉर्म है आपको पहुंचाना होगा। एज लिमिट में आपको दिखा रहा है कि आप जो है 5 साल का एक्सपीरियंस, 18 से 30 साल की एज जो है 1/7/2022 के अंदर होनी चाहिए उसकी, मतलब 30 साल तक जो बच्चा है वो यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और जिन ट्रेडों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उन ट्रेडों के बच्चे जो है इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफी अदर जो है क्वालिफिकेशन डायरेक्ट रिक्रूट, तो इसमें क्या मांगा है, इसमें गवर्नमेंट मतलब ITI से किया हुआ जो बच्चा है यहाँ पर बता रहा है, फर्स्ट उसके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए उस स्टेट का, और दूसरा यहाँ पर कैंडिडेट जो मोटर व्हीकल मैकेनिक के हैं उनके लिए जो है यहाँ पर वैलिड जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी हैवी ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास होना चाहिए, यदि उनके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो इस फार्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर आगे दिखा रहा है मैथड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन किस माध्यम से होगा कि इसमें खुद ही वो वहाँ से आपके लिए जो है खुद ही आपको एलिजिबल बताकर खुद आपको एक लिस्ट बनाकर भेजेंगे, और उस लिस्ट में आपका जो नाम यहाँ पर दर्शा रहा होगा दिख रहा होगा तब तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब आप उसके मतलब हकदार हो जाएंगे, वैसे वहाँ से एलिजिबल हटा देगा जैसे उसको समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर कैसे कैसे फॉर्म भरना है ये आप खुद ही, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका मैं PDF यहाँ पर डाल दूंगा, मतलब लिंक डाल दूंगा, उसको ओपन करके आप इस फॉर्म को पढ़ सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। और यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कैंडिडेट यहाँ पर जो है आपका डॉक्यूमेंट्स जितना लगेगा वो यहाँ पर लगाना होगा। फिर यहाँ पर दिखा रहा है कि कैंडिडेट फिर आगे जो है आपको कहाँ भेजना है ये आपके सामने सब पूरा दिखा रहा है, द सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस 134A शडम कालू अहिरी मार्क वोलरी मुंबई। तो यहाँ पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड ओनली आपको फॉर्म को अप्लाई मतलब भेजना है यहाँ पर, और ये आपके सामने फॉर्म होगा, फॉर्मेट इसका फॉर्म का, तो ये फॉर्म आप देख रहे होंगे, इस फॉर्म को आप भर के जिन ट्रेडों के बारे में मैं बात कर चुका हूँ उन वो ट्रेड वाले जो बच्चे हैं यहाँ इस फॉर्म को भरेंगे और फॉर्म को जो है अप्लाई करके वहाँ पर स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से भेज देंगे तब। और मैंने जो है फुल जानकारी आपको दे दी है, और इसका जो PDF है जो इसका फॉर्म आपको मिलना चाहिए वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फॉर्म को निकाल लीजिएगा, और मैंने आपको सभी जानकारी लगभग दे दी है। तो और नेक्स्ट वीडियो जो है आप तक फिर से मैं नौकरी का पहुंचाऊंगा, और तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।